लिखो एग्जाम्पल लिखो. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मान लो 10 kg का ऑब्जेक्ट है, ये मान लो 5 kg का ऑब्जेक्ट है, और ये स्मूथ है, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है, और इस बार मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई 2 न्यूटन, 2 न्यूटन की फोर्स लगाई इस सरफेस के लिए. इस सरफेस के लिए म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.5, और इसी सरफेस के लिए म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.4. अलग न्यूमेरिकल स्टार्ट है, ठीक है? तो एक इसमें मैंने कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों आपको दे दिए. अब मेरा क्वेश्चन है, इस ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू क्या है? ये क्वेश्चन है. कितने लोग बोलते हैं 2 न्यूटन? मैंने कहा जब मैं यहां 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं तो इनके बीच में कितनी फ्रिक्शन है, ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ऑब्जेक्टिव आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ. कितने लोग बोलते हैं 2 न्यूटन? 2 न्यूटन. कितने लोग बोलते हैं कि एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा एफ इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन बोलो क्या होगा? 5g. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगी? म्यू एस का मतलब 0.5 × 5 × g, तो आंसर कितना आ रहा है? 25 न्यूटन. कितने लोग बोलते हैं 25 न्यूटन? कितने बोलते हैं 2 न्यूटन? 2 न्यूटन और 25 न्यूटन नहीं, ये 25 न्यूटन क्या है? ये एफ एस मैक्स है, बिल्कुल सही, ये एफ एस मैक्स है. और कोई बताएगा ये होता क्या है? ये होता है कि अगर आप 5 और 10 kg के ब्लॉक को स्लाइड करवाना चाहते हो, सेपरेट करवाना चाहते हो, कम से कम फोर्स रिक्वायर्ड है 25 न्यूटन. 24 न्यूटन पे भी ये स्लाइड नहीं करेगा, ये इकट्ठा मूव करेंगे 24 न्यूटन पे, पर ये स्लाइड नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर, इनके बीच में सेपरेशन नहीं होगी, पक्की बात है, ठीक है? और आपने कितनी अप्लाई की? 2 न्यूटन, सही है. तो ऐसा ऐसा लगता है कि अब मेरा आंसर क्या होगा? 2 न्यूटन. लगता नहीं है, ये लॉजिक है, क्योंकि पिछले कई लेक्चर से हम यही तो कर रहे हैं. अगर 1 मिनट के लिए ब्लॉक ना होता, अगर 1 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूं ये ब्लॉक ना होता, मैं सेम क्वेश्चन पूछता, ब्लॉक ना होता, ग्राउंड होता. बिल्कुल सही, आपका आंसर 2 न्यूटन बिल्कुल सही था, क्योंकि अर्थ और ग्राउंड मूव नहीं किया करते थे, तुम्हारा सिर्फ ब्लॉक ही मूव किया करता था. यहां पर तो इसके लिए तो यही ग्राउंड है, और देखो तो ग्राउंड भी साथ में चल पड़ा, कहीं तो कुछ फर्क पड़ेगा फोर्स में. तो इसका आंसर 2 न्यूटन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और इसका आंसर 25 न्यूटन भी बिल्कुल भी नहीं है. तो फिर क्या है? पहले मुझे ये बताओ इसमें कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक की स्टैटिक? स्टैटिक है, क्योंकि 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड फोर्स है, और क्योंकि 25 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है इनको सेपरेट करने के लिए, और आपकी फोर्स 2 न्यूटन 25 से कम है, तो इनकी सेपरेशन नहीं होगी. तो इस केस में 2 न्यूटन की फोर्स इज लेस देन 25 न्यूटन की फोर्स, देयर फोर नो सेपरेशन. मैं लिख देता हूं, देयर फोर नो सेपरेशन, कोई इनमें सेपरेशन नहीं होगी. तो कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इनमें स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्लियर है? जीरो फ्रिक्शन होती तो फिर ये म्यू के होते, म्यू है तो दुनिया में जीरो फ्रिक्शन नहीं हो सकती, 20 नहीं होगी, पता नहीं कितनी होगी, देखता हूं. देखो कैसे कैलकुलेट करनी है स्टैटिक, इसका रूल समझ लो. ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ध्यान से देखना क्या करूंगा. मैंने फोर्स 2 न्यूटन किस पे लगाई? ऊपर वाली बॉडी पे. तो ये बताओ ऊपर वाली जो बॉडी है इस पे फ्रिक्शन कहाँ करेगी? पीछे. तो इस पे कहाँ करेगी? आगे. बनाओ डायग्राम. ये जो डायग्राम है इसमें दिखाओ, ये एफ है और ये एफ है. प्लीज यहां पर एफ के मत करना, ये दोनों इकट्ठे जाएंगे और नो सेपरेशन है, तो स्टैटिक है. एफ ये भी मत करना, मैक्सिमम स्टैटिक भी नहीं है, स्टैटिक है बस. देखता हूँ चल, क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? एफ एंड एफ, तो इनके बीच में जब सेपरेशन नहीं होगी तो आप इसमें क्या लगाएंगे? एफ. अब अगर आपको एफ कैलकुलेट करना है, एफ एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो एफ है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और इसका निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, न्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन. इस
को निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखो, ये आपने एक ब्लॉक बनाया 5 kg का और एक बनाया 10 kg का। तो इसके अंदर ये देखो, ये फोर्सेस हैं जो इस पर लग रही हैं। ये देखो 5 kg का जो ब्लॉक है, ध्यान से देख के बताओ मुझे, इसके राइट की तरफ कितनी फोर्स है? 2 न्यूटन। और लेफ्ट की तरफ क्या फोर्स है? एफ। 10 kg के राइट की तरफ कौन सी फोर्स है? एफ, बस और कुछ भी नहीं है। बनाओ डायग्राम। डायग्राम क्लियर है? 10 kg के को फ्रिक्शन आगे लेके जा रही है और इसको अपोज कर रही है। बनाओ दो डायग्राम्स। अब करो न्यूटन को याद, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये देखो, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? देखो ये आगे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए और ये भी आगे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों बॉडीज में सेपरेशन नहीं है, दोनों इकट्ठी आगे जा रही हैं, तो दोनों की एक्सेलरेशन की वैल्यू भी सेम होगी। तो इसके लिए बोलो ये राइट जा रहा है तो कौन सी फोर्स बड़ी? 2 न्यूटन की एफ। तो इक्वेशन बोलो, 2 - F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है, बड़ी माइनस छोटी फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? F इज इक्वल टू 10 into A। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करते हैं। ये लो, F इज इक्वल टू 10 into A सेकेंड इक्वेशन है। दोनों को जब ऐड करेंगे, F और F कैंसिल करना जरूरी है। अगर ये कैंसिल नहीं होंगे, इसका मतलब एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं हुई, न्यूमेरिकल पक्का गलत है। तो यहां से 2 की वैल्यू क्या आएगी? 15 डिवाइडेड बाय ए। तो ए क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 15। इस ए को आप यहां पुट कर दें तो एफ की वैल्यू क्या आएगी? 10 into 2 डिवाइडेड बाय 15 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाय 15 न्यूटन इज द आंसर। ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी इसमें। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि फ्रिक्शन क्या आएगी? ना 2 आएगी, ना 4 आएगी, ना 6 आएगी, और ना ही 20 आएगी, ना 25 आएगी, ये कुछ और ही आएगी। हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम ही हेल्प करेगा अप्लाइड फोर्स से। हाँ, हमेशा कम होगी, तो ज्यादा कैसे, ज्यादा नहीं हो सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ब्लॉक्स के ऊपर, ब्लॉक्स में जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन का काम होगा, आप ऐसे तुक्का मार ही नहीं सकते। आपका मन करेगा कि 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन आंसर मार्क कर देता हूं। सबका मन यही करता है, मेरा भी पहली बार यही करता था, 2 न्यूटन हो तो क्या? नहीं करना आपको ब्लॉक्स के ऊपर, ब्लॉक्स में फ्री बॉडी डायग्राम से ही पता करना पड़ेगा आपसी फोर्स क्या है इनकी, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम से अच्छा कुछ नहीं है ना। हाँ, एक शॉर्टकट जरूर है। शॉर्टकट ये है, जब थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, घर जाके रिवाइज करेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालनी बड़ी आसान है, क्योंकि दोनों इकट्ठी मूव कर रही है बॉडीज। और अगर बॉडी इकट्ठी मूव कर रही है तो टोटल फोर्स कितनी लग रही है? 2। और टोटल मास कितना है? 15। डिवाइड कर दो। पर ये काइनेटिक में मत लगाना, काइनेटिक में 2-2 एक्सेलरेशन आएंगी, उसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा, ओनली स्लाइडिंग में चलेगा। तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर दोनों इकट्ठी मूव करती हैं तो एक्सेलरेशन तक तो पहुंच ही जाओगे। और ये इक्वेशन तो बना ही लोगे फटाफट से, तो फ्रिक्शन निकालनी ऑब्जेक्टिव में बहुत आसान हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो पहले चेक करना है क्या इनकी सेपरेशन होगी या नहीं होगी। ठीक, अगर नहीं होगी तो फिर क्या, कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक। और अगर पता लग गया कि स्टैटिक है और कोई तरीका नहीं, बनाओ डायग्राम और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर फोर्स का चैप्टर याद करो, बड़ी में से छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आंसर। लेकिन अगर सपोज ऐसा हो जाता, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। सपोज एक ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। फिर से एक बार म्यू एस की वैल्यू एक बार 0.5 है और म्यू के की वैल्यू 0.4 है और मैंने यहां पे फोर्स लगाई 200 न्यूटन। मैंने फोर्स लगाई 200 न्यूटन। अब सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या 200 न्यूटन इनकी सेपरेशन करवाएगी या नहीं करवाएगी। तो इसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ यहां पे है, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी? म्यू एस टाइम्स 5g।
तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5 × 5 × 10 यानी कि 25 न्यूटन। तो इन बॉडीज को सेपरेट करने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है 25 न्यूटन। 25 न्यूटन से कम ये सेपरेट नहीं होंगे, इकट्ठे मूव करेंगे और हमारी अप्लाइड फोर्स कितनी है 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 25 न्यूटन, इसका मतलब इनके बीच में स्लाइडिंग होगी। स्लाइडिंग होगी तो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का काम है। क्लियर है? तो इसके अंदर कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक। तो ऑब्जेक्टिव आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, काइनेटिक आ जाए ना दिल ही खुश हो जाता है, क्योंकि कोई फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए ही नहीं। काइनेटिक का फॉर्मूला ही फिक्स है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के कितने हैं 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन कितने हैं 5g, 0.4 × 5 × 10 कितना 20 न्यूटन, सही है। तो ये ऑप्शन मार्क कर देना, मतलब स्टैटिक आए तो टेंशन है, फ्री बॉडी डायग्राम डिसाइड करेगी, काइनेटिक आए कोई टेंशन नहीं, बस पता लगना चाहिए काइनेटिक है, फिर तो म्यू के इनटू एनसी आंसर आ गया। बट तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें म्यू के पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट काइनेटिक फ्रिक्शन तो मिनट में निकाल देगा, तुमसे ये नहीं पूछेगा। तुमसे पूछेगा कोई बात नहीं, काइनेटिक आ गई ना, अब तुम ये बताओ दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी है, कि दोनों डिफरेंट मूव करेंगे, अब तुम A1 A2 बताओ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो निकल गई, काइनेटिक निकल गई, वो आपसे ये पूछेगा कि इसके अंदर ये बताओ कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। पहले रूल नंबर वन, जब मैंने 200 न्यूटन 5 kg पे लगाई तो फ्रिक्शन काइनेटिक कहाँ एक्ट की बताओ। ये एफ के लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, एफ नहीं लगाऊंगा मैं, एफ के लगाऊंगा, एफ तब लगाता हूँ, एफ मैं तब लगाता था जब स्टैटिक थी, एफ के तब लगाऊंगा जब काइनेटिक है। तो अगर इसकी काइनेटिक पीछे है तो इसके ऊपर काइनेटिक आगे है, तो ये डायग्राम बनेगा। और अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं आपको फिर से एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बना 5 kg का और ये बनाना पड़ेगा 10 kg का। खास बात ये है कि ये दोनों की दोनों सेम एक्सेलरेशन से बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगी, क्योंकि एक दूसरे पे स्लाइड करेंगी, काइनेटिक है। तो बनाओ डायग्राम A1 A2 देखता हूँ, ठीक है A1 A2 आ गया। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर 5 kg को यहाँ से फोर्स मिल रही है और पीछे की तरफ भी फोर्स मिल रही है और इसको सिर्फ आगे की तरफ फोर्स मिल रही है। तो यहाँ पर फोर्स कितनी मिल रही है 200 न्यूटन और यहाँ पर फोर्स FK की वैल्यू कितनी निकाली हमने 20 न्यूटन। ऐसे यहाँ पर F of K मिल रहा है कितना 20 न्यूटन। क्लियर है यहां तक? तो इसका इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि आगे जा रहा है तो 200 आगे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी। ऐसे ये आगे जा रहा है, कौन आगे लेके जा रहा है 20 इज इक्वल टू 10 × A2, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 2 m/s² का स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन पता क्या पूछेगा, फाइंड रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो बड़ी में से छोटी एक्सेलरेशन को क्या कर देंगे माइनस, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इसी में अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ ले फाइंड रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो मैं 180 / 5 में से माइनस करूंगा 2, दिस इज द फाइनल आंसर।